आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। दशा माता का पूजन कर महिलाओं ने की परिवार की दशा सुधारने की प्रार्थना। नगर में अनेक स्थानों पर दिखी महिलाओं की भीड़। नगर में अधिकांश मंदिरों में महिलाओं ने दशा माता का पूजन कर पीपल के पेड़ पर सूत लपेट कर दशा माता का पूजन किया। साथ ही इस दिन महिलाओं ने उपवास रख परिवार के सुख समृद्धि और घर की दशा सुधारने की प्रार्थना की। नगर के पुलिस थाने वाले स्थित हनुमान मंदिर, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर कोर्ट परिसर के पीछे, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, पीपल चौक, बावड़ी मंदिर सहित अन्य स्थानों पर महिलाओं की भीड़ सुबह से ही मंदिर के पास स्थित पीपल के पेड़ पर उमड़ रही थी, जहां महिलाओं ने रानी दमयंती की कथा सुनते हुए दशा माता का पूजन किया। पंडित आशीष जोशी ने बताया कि दशा माता को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और राजा नील और रानी दमयंती की कथा इस पर्व पर जुड़ी होती है। महिलाएं दिन भर उपवास रखकर अपने घर परिवार की दशा सुधारने और परिवार में सुख समृद्धि रखने का आशीर्वाद मांगती है। महिलाओं ने बताया कि सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन हमारी सास करती थी, अब हम नई बहुओं को भी इस परंपराओं का पालन एवं व्रत करने के बारे में जानकारी देकर इन्हें भी इसमें शामिल कर रहे हैं। नगर के मंदिरों में दोपहर तक महिलाओं के आने का सिलसिला चलता रहा। राजा को दिलाई वापस खोई पद और प्रतिष्ठा। पंडित गोपाल कृष्णपुरे ने बताया कि दशा माता की कथा राजा नल और दमयंती रानी से जुड़ी हुई है। सुखपूर्वक राज्य करते थे, उनके दो पुत्र थे, उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। उसके बाद राजा नल और दमयंती का राजपाट भी चला गया और कई विघ्नों को अपने जीवन में सहन करने के बाद आने वाले साल में फिर रानी दमयंती ने दशा माता का विधि विधान से पूजन किया और उन्हें उनके खोए हुए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई। तब से ये परंपरा का आज भी पालन किया जा रहा है। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। में कृष्ण पक्ष में दशा माता का व्रत माताएं करती हैं, अपने घर की दशा को सुधारने के लिए करती हैं। वैसे लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है दशा माता को, और यहाँ पर जो माताएं आती हैं वो सब ये विचार करके आती हैं कि अपने घर में सुख और शांति हो, समृद्धि हो, अपने देश में सुख और समृद्धि हो, ये विचार करके माताएं दशा माता का पूजन करती हैं। क्या किया जाता है आज के दिन? आज के दिन माताएं एक समय का व्रत रखती हैं, एक डोरा लेकर के और उसको गले में बांधती हैं, पीपल की पूजन करके और प्रदक्षिणा करती हैं। इस प्रकार से दशा माता की पूजा वो करती हैं।